नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के लोगों को CO2 में कटिंग करने के लिए किस तरह से सेपरेट करते हैं। जैसे कि रेड है, रेड अलग कटे, वाइट अलग कटे, ये ब्लैक अलग कटे, ब्लू अलग कटे, और ये फिर सटाने के बाद इस तरह का एक लोगो यूज़ हो। बहुत सारे लोग इस तरह का काम करते हैं, जो यूनिक काम होता है वो इस तरह से किसी को, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि किस तरह से इसको किया जाए। तो आज मैं इसी के बारे में वीडियो बना रहा हूँ, तो ध्यान से देखें दोस्तों, लेज़र कटिंग में लोगों को चार कलर में कैसे सेपरेट करें। चार कलर मतलब हो गया, एक ये रेड एक कलर है, वाइट दो कलर है, ब्लैक तीन कलर है, ये ब्लू चार कलर है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर वक्त की तरह देखिए, लॉक करते हैं हम लोग इसको पहले फर्स्ट, उसके बाद देखिए ये पहले लोगो बनाना है। ठीक है, लोगो कैसे हम बनाएंगे, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, टाइपिंग करते हैं, SACHIDANANDE सचिदानंद पब्लिक स्कूल PUBLIC SCH स्कूल JOBAT। ठीक है, अब इसका रिलेटेड इस तरह का इसका फॉन्ट मैच करते हैं। ठीक है, इसका फॉन्ट मैच कैसे करते हैं, फ्यूजी। ठीक है, ये देखिए, ये मैं एक लिख दिया इसका, इस तरह से ये सच्चिदानंद पब्लिक स्कूल मैं लिख दिया। ठीक है, अभी इसको इसको गोल करना है। ठीक है, जो बाट को अलग कर लेते हैं। गोल करने के लिए ये इसको ट्रांसपेरेंसी कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब इसको लॉक करेंगे हम लोग। पहले इसको सच्चिदानंद को पकड़ते हैं, फिर गोल को, फिर हम जाते हैं टेक्स्ट में फिट टू पाथ। ठीक है, अब यहाँ से ये रेड वाले को पकड़ के थोड़ा सा आते हैं। देखिए ये जहाँ पर सेट हो, ठीक है, ये थोड़ा अंदर की तरफ होना चाहिए। SACH स्पेलिंग इसमें गलत हो गया, SACHCH। इसको सेपरेट कर देंगे, ब्रेक के पार्ट। अभी जो बाट को कर देते हैं इसको, इसको जो बाट पकड़ेंगे, फिर लाइन को पकड़ेंगे, फिर टेक्स्ट में जाएंगे, इसको पकड़ के नीचे लाएंगे। देखिए ठीक, यहाँ से ये मिरर किया, अब इसको पकड़ के मैं नीचे लेकर आता हूँ। बीच में गैप चाहिए,
ठीक है, ब्रेक। देखिए लिखा गया, अब यह, अब ये ऊपर ऊपर वाला शेप अपने को बनाना है। एक शेप बनाया, नीचे एक शेप बनाया, ठीक है। ऊपर का सेंट्रल अलाइनमेंट किया, 30 डिग्री में टर्न कर दिया, अरेंज में गया ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, रोटेशन 30 डिग्री। अब सबको मैं वेल्ड कर देते, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वेल्ड किया, ठीक है, कंट्रोल के, सेपरेट हो गया, ठीक है। इससे इसको एक ट्रिम कर दिया। देखिए अब कलर चेंज करते चले जाते हैं हम, ये रेड, ये वाइट तो ऑलरेडी है ही, ठीक है, ये ब्लैक कंट्रोल के कर देते हैं, ठीक है, ये जो ब्लैक कंट्रोल के, इसको ये एक रेड, रेड का काम ख़त्म हो गया हमारा। इसको पकड़ा, फिर इसको पकड़ा, सेपरेट टॉप अलाइनमेंट ग्रुप, इसके साथ सेंटर कर दिया, रेड हो गया। फिर एस पी, ठीक, इसका मैं फॉन्ट देखता हूँ कौन सा है, SP, ठीक है, कंट्रोल के, इसका फॉन्ट मैच नहीं कर रहा दोस्तों, और इसका फॉन्ट हम मैच कराते हैं, ये भी मैच नहीं कर रहा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैच करिए हम, हमारा ये इसको मैं एक और कर लेता हूँ, ये रेड, ये ऐसा, ये ऐसा, टॉप अलाइनमेंट टी, ये पी, ये दोनों के सेंटर में, ओके, ये रेड हो गया दोस्तों। अब ये देखिए आते हैं, इसको हम कैसे करें, एक सेंटर लाइन कर्व लेते हैं, ये कर्व के ठीक है, अब यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ मैं, इसको इसके साथ सेंटर कर देता है, ये बॉक्स, फिर इसको ट्रिम कर देंगे, ट्रिम हो गया। अब इसको यहाँ से हम लोग कटिंग कर देंगे, यहाँ एक पॉइंट बनाया,
सेपरेट। अब ये कैसे हुआ देखिए, एक बॉक्स बनाया 45 डिग्री वेल्ड कर दिया, ठीक है। अब ये ऊपर वाला नोट को पकड़ के डिलीट कर दिया, ये हमारा ये हो गया। कंट्रोल आर यहाँ पर स्क्वायर है, देखिएगा दोस्तों, इसको मैं पकड़ा, ठीक है। फिर इसके यहाँ से मैं वैसे ही ब्रेक कर दूंगा, कंट्रोल शिफ्ट क्यू। तो दोस्तों ये बन गया, अब पुराना वाला को मैं निकालता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट क्यू, डबल बनाते हैं हम इसको, इसको कंट्रोल के करते हैं, ये ब्लू है दोस्तों, इसको ब्लू किया, इसके अंदर डाल दिया, शिफ्ट पेज डाउन, इससे ये ब्लू वाले को ट्रिम कर दिया, इसको हटा दिया, ठीक है दोस्तों। ये जैसा इसको सेपरेट कैसे करेंगे, पहले निकालते हैं वाइट, तो वाइट निकालेंगे अंदर का सब डिलीट कर देंगे, कंट्रोल के करेंगे, अंदर का ये पूरा डिलीट हो गया, वाइट कलर डालेंगे, आउटलाइन को ब्लैक, ये हो गया वाइट। उसके बाद निकालेंगे ब्लैक, इसको हटाया, इसको हटाया, अच्छा ये भी रेड है दोस्तों, है ना, इसको भी हटाया, ये रेड हटा, ये रेड हटा, ठीक है। उसके बाद है आपका ब्लू रेड, ठीक है, ये भी रेड है हमारा, आप देख लो एक बार। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाया, ब्लू हटाया, ये रेड रेड हो गया। अब देखिए हम लोग ब्लू लाएंगे,
ब्लैक हटाएं, ये वाइट हो गया। ब्लैक रेड या आ गया ब्लू। इस तरह से दोस्तों दोनों कटेगा तो लास्ट में हमारा ये लोगो तैयार हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।